वाणी चल रही थी 11/4/64 की और दूसरे पेज के अंत में बात चल रही थी 11/4/64 की कि मम्मा बाबा की सीट तो नामी ग्रामी है, क्योंकि ये तो लक्ष्मी नारायण बनते हैं जिसको स्वराज्य कहा जाता है। ये है स्वराज्य के लिए राम का यज्ञ। तो तुमको स्वराज्य मिलता है क्योंकि राम बाप को कहा जाता है, बाप का तुमको वर्षा मिलता है। जो भी सब मनुष्य मात्र हैं इस रुद्र ज्ञान यज्ञ में सब स्वाहा होने वाले हैं। इसलिए इनको यज्ञ कहा जाता है। स्वाहा, ये बड़े से बड़ा यज्ञ है। 11/4/64 की वाणी का तीसरा पेज। अभी तुम जानते हो इस यज्ञ में सारे भंभोर को आग लगेगी।
और तुम अभी आते हो बाबा के पास पुरानी दुनिया छोड़ देने के लिए। तुम्हारी बुद्धि में आ गया है आप मुए मर गई दुनिया, मरना तो शरीर से होता है, तो शरीर से मरने की बात है क्या? क्या बात है? जीते जी मरना माना, शरीर से मरना नहीं, देह अभिमान से मरना। तो कहावत है आप मुए मर गई दुनिया, तो तुम अशरीरी हो जाते हो, आत्मा तो मरती नहीं, अशरीरी होने की बात है। तो जब शरीर ही खलास हो गया तो फिर कुछ है ही नहीं, देह अभिमान का नाम निशान खलास हो गया तो फिर तुमको जरूर नया शरीर मिलता है। जब नया शरीर मिलता है तुम नई दुनिया में आते हो तो नई दुनिया का ख्याल होता है। अभी करना क्या है? पहले पहले पुरानी दुनिया को बुद्धि से छोड़ने की बात है, शरीर का भान छोड़, शिव बाबा के गले का हार तुम बनते हो। बाबा तो निराकारी है ना, तो गले का हार भी कैसे बनेंगे? देवान वाले बनेंगे या जो निराकारी बनेंगे वो बनेंगे? बाबा कहते हैं मेरे में जो गुण हैं वो तुमको सिखलाता हूं। कौन कहता है? शिव बाबा कहते हैं कि मेरे में मुख्य गुण कौन सा है? जो सदा शिव कहा जाता है, मेरे में मुख्य गुण है निराकारी। फिर और बातें आती हैं, निराकारी निर्विकारी निरहंकारी, तो वो ही मैं तुमको सिखाता हूं, दूसरा तो कुछ नहीं सिखाता। कोई भी नई इन्वेंशन निकालते हैं तो उसकी वृद्धि राजाओं के द्वारा कराते हैं। यहां भी राजा होता तो उनके द्वारा ज्ञान फैलता, तो यहां ब्राह्मणों की दुनिया में कोई राजा नहीं जो ज्ञान फैले। राजा तो होगा जरूर, लेकिन पहले पहले वो भी क्या बने? निराकारी बने। जब खुद निराकारी बने तो ये ज्ञान भी फैलेगा। इसलिए अव्यक्तवाणी में भी बोला, जब तुम बच्चे अव्यक्त बन जावेंगे तो तुम्हारी प्रत्यक्षता बाप के साथ तुम्हारी भी प्रत्यक्षता हो जाएगी। तो राजा होता तो उनके द्वारा ज्ञान फैलता, क्योंकि राजा में ताकत रहती है। तो बाप ने तुमको ये इन्वेंशन बता दी, क्या बता दी है? क्या बाबा ने इन्वेंशन बता दी? कौन सी खोज की नई बात बता दी जो नाम वाला हो जावे दुनिया में?
है। जितना जितना निराकारी बनेंगे उतना उतना ज्ञान की और बाप की प्रत्यक्षता होती जाएगी। अभी तुम जान गए हो कि स्वर्ग की स्थापना कैसे होती है, कैसे होती है। अरे अभी तो बताया, जैसे जैसे स्वस्थिति की स्थापना बुद्धि में होती जाएगी, जैसे जैसे हम स्वस्थिति में स्थित होते जाएंगे, वैसे वैसे हमारे लिए स्वर्ग का वायुमंडल बनता जाएगा। अभी देखो स्वर्ग की स्थापना में कितना माथा मारना पड़ता है। क्यों मारना पड़ता है? क्योंकि घड़ी घड़ी देवान आ जाता है। कोई इन्वेंशन निकालते हैं तो गवर्नमेंट को बतलाते हैं ना कि इन्वेंशन वृद्धि में आ जाए, तो तुमको बेहद का बाप का परिचय देना है क्या है? गवर्नमेंट को बताएं क्या बताएं? क्या बताएं जो गवर्नमेंट की बुद्धि में भी आ जाए? जो भी गवर्नमेंट के बड़े बड़े हैं उनकी बुद्धि में आ जावे, क्या आ जावे है? कि जैसे और धर्म स्थापन हुए हैं तो किसके द्वारा स्थापन हुए हैं? इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन आदि, गुरु नानक का सिख धर्म, जो भी धर्म स्थापक आए हैं उनकी पहचान की खासियत क्या थी? निराकारी स्टेज थी। तो गवर्नमेंट के लोगों को भी बताना है कि देखो वो जो धर्म स्थापन हुए हैं वो तो पुराने से पुराने धर्म नहीं है। नए हैं या पुराने हैं? वो तो 2500 साल के अंदर है। लेकिन जो ओल्ड होता है सो गोल्ड कहा जाता है। असली धर्म तो अभी परमपिता परमात्मा आकर स्थापन कर रहे हैं। तो जिसमें आकर के स्थापन करते हैं वो पहला पहला धर्म पिता, जो सनातन धर्म का धर्म पिता कहा जाता है, ब्रह्मा की अव्वल नंबर औलाद सनत कुमार, वो प्रत्यक्ष हो चुका है। उसकी ये खासियत देखने में आवेगी क्या? एक सेकंड में चाहे तो निराकारी हो जाए, एक सेकंड में साकारी, और एक सेकंड में मनन चिंतन मंथन की आकारी स्टेज में स्थित हो सकते हैं। तो बेहद का बाप का परिचय दो, तुम जानते हो। अभी हम उस बाप से 5000 वर्ष पहले मुआफिक फिर से सहज राजयोग सीख रहे हैं। इसलिए सीख रहे हैं कि हम भी निराकारी बने, निर्विकारी बने, निरहंकारी बने और इस देह का भान छोड़ दें। तो हम वो राजयोग की पढ़ाई पढ़ रहे हैं। क्या राज अनुदा हुआ है? ये राज अनुदा हुआ है कि जितना जितना हम निराकारी बनेंगे उतना उतना देह विमान छूट जाने के कारण देह की इंद्रियों का भान भी छूटता जाएगा। इंद्रियों पर कंट्रोल होता जाएगा, इंद्रियों पर विजय प्राप्त अनुभव करते जाएंगे। ये इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने की राजाई पढ़ाई हम पढ़ रहे हैं।
तुमको पूछने की भी दरकार नहीं रहती है, सब कुछ आप ही बतलाते जाते हो। कोई पूछे इतना दिन तुमको कितना पढ़ाया है, पढ़ाते पढ़ाते अब तुमको रिवार्ड भी देते हैं ना, कोई रिवार्ड मिला क्या है? नहीं। 73 में अव्यक्तवाणी में जिक्र किया था, ये जो मेला हो रहा है रामलीला ग्राउंड दिल्ली में, इसका रिवार्ड निकलेगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड रिवार्ड। स्थूल प्रदर्शनी की सजावट का रिवार्ड ये दीदी दादियां देंगी, जो चैतन्य प्रदर्शनी है उसकी सजावट का रिवार्ड बाप दादा देंगे। तो कुछ दिया क्या है? कुछ नहीं दिया, ऐसे ही झूठा बोल के चले गए हैं? क्या दिया है? नहीं, वो तो 2004 की बात है, ये 73 की बात है अव्यक्तवाणी। नहीं, वो लक्ष्मी नारायण वाली बात तो सन 66 में ही, 66 में ही डिक्लेयर कर दी थी कि आज से 10 वर्ष पहले, नहीं आज से 5000 वर्ष, आज से 10 वर्ष कम 5000 वर्ष हुए जब लक्ष्मी नारायण का जन्म हुआ। नहीं, वो ही तो बाप की प्रत्यक्षता हो गई सन 76। बाप सदा शिव की प्रत्यक्षता नारायण के द्वारा ही होगी ना, तो वो तो उद्घाटन कर दिया। फिर 73 में कौन सा रिवार्ड की बात की? तीन नंबर डिक्लेयर होंगे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, झंडे में एक दूसरे के नीचे दिखाए गए हैं कि नहीं? क्या दिखाए गए हैं? ब्रह्मा पहले नंबर में, सबसे ऊपर शंकर, तीन नंबर प्रत्यक्ष होंगे, ब्रह्मा बाप और जगदम्बा, क्योंकि बाप सदैव माता को आगे रखते हैं, ब्रह्मा सु विष्णु। तो वैष्णवी शक्ति पहले प्रत्यक्ष होगी, बाप पीछे पीछे प्रत्यक्ष होता है, फिर जगदम्बा। तो ऐसे ऐसे पॉइंट्स धारण करके लिखो कि ये जो तिरंगा झंडा है वो तो किस बात की यादगार है, जो बड़े फकुर से 15 अगस्त 26 जनवरी को झंडारोहण करते हैं, बोलते हैं क्या, झंडा ऊंचा रहे हमारा विजयी विश्व। तो क्या कपड़े का झंडा विजयी विश्व करके दिखलाता है, है? फिर जरूर कोई चैतन्य आत्माएं हुई होंगी ना, उन चैतन्य आत्माओं ने तीन प्रकार के शरीर रूपी वस्त्र को, शरीर रूपी झंडे को धारण किया होगा, तीन प्रकार के उस शरीर रूपी चरित्र बजाए होंगे। लाल रंग किस बात की निशानी है? क्रांति की होगी, ज्ञान की क्रांति होती है पहले पहले। फिर सफेद रंग दिखाया है, भाई की क्रांति होती है, हैं? प्योरिटी की प्रत्यक्षता होती है, दुनिया के सारे काम
प्योरिटी से होते हैं, प्योरिटी के बगैर कोई काम सफल नहीं होता है। और सबसे नीचे ब्रह्मा का हरा रंग दिखाया गया, आएगा आएगा आएगा, क्या आएगा है? अरे हरियाली आएगी दुनिया में, हरियाली आएगी या आग लगेगी है? आग तो लगेगी, लेकिन जिसके अंदर ये लगन लगी हुई थी कि मैं हरियाली की दुनिया में जाके जन्म लूंगा, वो तो हरियाली की दुनिया में ही जन्म लेगा या आग से प्रभावित होगा? वो तो शरीर छोड़ गया, वो आग से प्रभावित होने वाली बात तो है ही नहीं। तो ऐसे ऐसे पॉइंट्स भी चार सागर मंथन करके धारण करके लिखो। बुद्धि में ये पक्का रहना है कि अब ये 84 जन्मों का खेल पूरा हुआ। खेल पूरा होता है तो सबको वापस घर जाना है। घर से फिर नंबर बार आवेंगे या इकट्ठे आ जावेंगे रंगमंच पर? वो नाटक होता है तो उसमें भी इकट्ठे आ जाते हैं या धीरे धीरे करके आते हैं? धीरे धीरे करके रंगमंच पर प्रत्यक्ष होते जावे। ये दुनिया भी एक बेहद की नाटकशाला है, रंगमंच है। इसमें भी सतयुग के आदि से लेकर के कलयुग के अंत तक 500 करोड़ ये बेहद के एक्टर्स हैं, जो इस सृष्टि पर टाइम टू टाइम आते रहते हैं। सतयुग में बहुत थोड़े होंगे या ज्यादा होंगे? सतयुग में बहुत थोड़े होते हैं। अभी तो कलयुग में देखो कितने मनुष्य हैं, इतनी संख्या हो गई है कि पूरा खाने को भी नहीं मिलता। जहां तहां से अनाज मंगाते ही रहते हैं। अब इतना सारा अन्न इकट्ठा करें या बनावें, वो भारतवासी खावें, सो तो कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि तुम तो जानते हो लड़ाई तो जरूर होनी है। स्टीमर आना ही बंद हो जावेंगे। विदेशों से अनाज भर भर के मंगा लेते हैं ना, क्योंकि विदेशों की तो जनसंख्या कम है, खाने वाले कम है, और इंडिया में खाने वाले ज्यादा हैं। विदेशों में तो मछलियां पकड़ पकड़ के खाते रहते हैं, हैं? अंडे खाते रहते हैं, गोश्त खाते रहते हैं, उन्हें तो अनाज की इतनी दरकार भी नहीं पड़ती। और इंडिया में तो ज्यादातर लोग शाकाहारी है, तो यहाँ तो अनाज की बहुत दरकार पड़ेगी। लेकिन जब लड़ाई छिड़ जाएगी देशों में तो क्या हाल होगा? स्टीमर आना ही बंद हो जाएगा। तो बहुत अकाल पड़ जाएगा। उस समय बॉम्ब्स, नेचुरल कैलेमिटीज और मूसलाधार बरसात, ये अनेक प्रकार की आपदाएं भी आना शुरू हो जाएंगी। ऐसी आपदाओं के बीच मनुष्य बड़ी त्राहे त्राहे करेंगे। तुम देखेंगे, जरूर देखेंगे कि विनाश कैसे होता है। रिहर्सल तो होती रहती है, अभी भी बीच बीच में रिहर्सल तो भुज में रिहर्सल हुई थी कि नहीं 10 साल पहले? हाँ, रिहर्सल तो होती रहती है। कहते हैं एक दूसरे को धमकी देते हैं, चीन और रशिया को तो हम ऐसे इतने में ही चुटकियों में उड़ा देंगे। अब तुम बच्चे जानते हो कि ये तो लड़ करके उड़ावेंगे ही, क्या ये तो आपस में लड़ करके उड़ावेंगे ही? कौन लड़ेंगे? रशिया और अमेरिका रूपी यादव जो हैं, वो आपस में वो तो लड़ेंगे ही, हमें तो पता चल गया है कि महाभारत में जो प्रसिद्ध
यादव दिखाए हैं, जिनकी बड़ी बड़ी महलमाणियां अटारियां होती थी, बड़े बड़े धनाढ्य होते थे, बड़े बड़े शराबी होते थे, ऐसा लिखा हुआ है ना। तो वो कौन है? रूस और अमेरिका। वो आपस में लड़ेंगे और एक दूसरे को खलास कर देंगे। तो तुम समझ गए हो कि यादव, कौरव और पांडव किसको कहा जाता है और वो अभी क्या कर रहे हैं। कौरव पांडव क्या कर रहे हैं? यादव तो विदेशी हो गए, कौरव पांडव कारो पांडव तो स्वदेशी हैं। कौरव वो हैं जो कौओं की तरह काव काव बहुत करते रहते हैं, काव काव करते रहते हैं और भ्रष्टाचार फैलाते रहते हैं। 5-star होटल खोलते रहेंगे और उनमें व्यभिचार फैलाते रहेंगे। और पांडव किसको कहा जाता है? पांडव कहा ही जाता है पांडे की औलाद, पांडव पांडा बाप है उसकी, तुम औलाद हो उनके। प्लान्स देखो, कौरव क्या प्लानिंग कर रहे हैं। एक तरफ भ्रष्टाचारी बनते जा रहे हैं और दूसरी तरफ दिल्ली को स्वर्ग बनाने में लगे हुए हैं। अब दिल्ली स्वर्ग बनेगी कि नरक बनेगी? पहले कब्रिस्तान बनेगी या परिस्थान बनेगी? जैसे कर्म करेंगे वैसे ही रिजल्ट सामने आवेगी। और तुम अपना प्लान देखो, तुम क्या प्लानिंग कर रहे हो है? कि हम अपन को जितना स्वस्थिति में लगाएंगे, भेजेंगे, डालेंगे, उतना हम स्वर्ग में खुद को अनुभव करेंगे। स्वर्ग माने क्या? स्व माने आत्मिक स्थिति और ग माने गया। तो स्वर्ग माने क्या हुआ? जितना जितना आत्मिक स्थिति में जाएंगे उतना उतना हम सुखी होते जाएंगे। ऐसे तो शास्त्रों में भी लिखा हुआ है, कुरान में तो साफ लिखा हुआ है कि जब विनाश बरपा होगा, कयामत होगी, तो खुदा के बंदे बड़े आराम से स्वर्ग की भांति जन्नत की तरह रहेंगे। तो देखो तुम्हारे प्लान क्या है, उन कौरवों का प्लान क्या है। तुम्हारा तो सच्चा प्लान है, उनका है दिखावे का। तो वो कहते हैं हम इतना अनाज देंगे जो वहां से काब नहीं मंगाना पड़ेगा। क्या? हम इतना अनाज देंगे पैदा करके इंडिया में कि भारत के अलावा हमें दूसरे देशों से अनाज मंगाना ही नहीं पड़ेगा। कितने डैम्स आदि बनाते रहते हैं, ये डैम्स आदि बनाना, पानी का जो नेचुरल बहाव है उस बहाव को अपनी बुद्धि लड़ा करके रोक देना। ये नेचर का विरोध करना चाहिए है? नहीं करना चाहिए। पृथ्वी के अंदर कुछ पता नहीं है कहां पे क्या हो रहा है। कौन से पहाड़ से कब ज्वालामुखी फूट पड़े तो डैम तो फट जाएगा और चारों तरफ पानी ही पानी हो जाएगा, तो कितना नुकसान हो पड़ता है। इसको नेचुरल कैलेमिटीज कहा जाता है। ऐसी बहुत आपदाएं आवेंगी। देखो मुरली बोला है ये नंगल डैम जो बनाया हुआ है, हाँ, गोविंद सागर, दो लंबे लंबे पहाड़ हैं, उन पहाड़ों के बीच में बहुत गहरा पानी भरा हुआ है, मीलों लंबे पहाड़ हैं, इसमें इतना पानी भरा हुआ है कि जब वो डैम टूटेगा तो सारी दिल्ली बोड़म बोड़ हो जाएगी।
छोटी सी हिंडन नदी में बाढ़ आ गई थी। और सतलज नदी पर बात है, वो तो अलग बात। दिल्ली के पास एक हिंडन नदी है, उस छोटी सी नदी में बाढ़ आई थी तो दिल्ली के अंदर जो मॉडल टाउन बना हुआ था, चार चार मंजिलों के मकान, उसमें दो दो तीन तीन मंजिल डूब गए। तो उस गवर्नमेंट के प्लान देखो, बिल्डिंगे बनाते हैं तो नक्शा पास कौन करता है? गवर्नमेंट के इंजीनियर से पास करते हैं ना, प्लानिंग होती है ना उनकी, तो उनकी प्लानिंग फेल। नेचुरल कैलमिटी से कोई बच पाएगा क्या? नहीं। तो तुम बच्चों को तो ऐसी स्थितियों में बड़ा स्थिरियम रहना है। क्या ऐसे नहीं, ऐसी ऐसी आपदाएं दुनिया में आने लगे तो होल डाल हो जाओ। इस पुरानी छीछी दुनिया में तुम तो जानते हो अब हमको कितना टाइम रहना है। अब हम तो चले कि चले, तुम चाहते हो बस अभी सुखदाम बन जावे, परंतु तुम तो अभी बाप के साथ हो। जब तक बाप है तो बाप तो सुखदाम में जाता जाता नहीं है, जाता है नहीं। बाप तो सुखदाम में जाते नहीं है, तो जब तक बाप है तब तक सुखदाम तो है बन नहीं सकता। तो इसलिए बाप के साथ साथ तुम बहुत सेवा करते रहो और जन्म जन्मांतर का अपना भाग्य बनाते रहो, हरेक को लिबरेट करते हो। पतित पावन की तुम सेना हो, तो सबको पावन बनाने में तुम्हारा भी हिस्सा लगता है। सबको पावन बनाते हो, समझाना पड़े कि 5000 वर्ष पहले भी हमने ये राखी बांधी थी। कौन सी राखी? ये पवित्र रहने की राखी बांधी थी। जितना जितना हम अभी पवित्र रहेंगे, मन बुद्धि को विकारों से परे रखेंगे, उतना उतना हम अपने लिए स्वर्ग स्थापन करते रहेंगे, निर्विकारी दुनिया बनाते रहेंगे। सतयुग त्रेता में तो फिर ये राखी बांधने की दरकार ही नहीं रहती है। क्यों? पवित्र ही होते, वहां तो पवित्र ही होते हैं, वहां कोई देह अभिमानी बनता ही नहीं। ये देह अभिमान की इंद्रियां वहां काम करती नहीं। हाँ, फिर द्वापर से ये रसम शुरू होती है। कौन सी रसम? भ्रष्ट इंद्रियों से भ्रष्ट कर्म करने की रसम कहाँ से शुरू होती है? द्वैतवादी युग से शुरू होती है, जहाँ रावण का राज्य चल जाता है। वो है ही भक्ति मार्ग, रावण रावण से आती है भक्ति और राम से आता है ज्ञान। तो द्वापर युग से होता ही है भक्ति मार्ग, तुम जानते हो। अभी हम बच्चे आए हैं बाप के गले का हार बनने के लिए, तो क्या करना पड़ेगा? है गले का हार बनने के लिए आए हैं तो कैसे बनेंगे? स्वयंवर होते थे तो कन्या वर के गले में हार डालती थी, तो समान के गले में हार डाला जाता है या भिकमंगे के गले में हार, कोढ़ी के गले में हार डाल देगी? समान होना चाहिए ना, गला हार बनने के लिए तो क्या करना पड़े? कहाँ समान बनना पड़े? जैसे बाप निराकारी, वैसे हमारी स्टेज भी निराकारी निर्विकारी निरहंकारी स्टेज झलकनी चाहिए। तो देखो अभी बच्चों को कितनी खुशी होती है। क्या? किस बात की खुशी है? है नहीं,
हमने निराकारी निर्विकारी निरहंकारी बनने वाले बाप को पहचान लिया है, हमने पहचाना है और हम औरों को पहचान दे भी रहे हैं। बस अभी हम गए कि गए कहाँ गए है, ऊपर गए कि नीचे गए, ऊपर गए नीचे तो नहीं जाते हैं, देख लो भाई अच्छी तरह से चेकिंग कर लेना है, कहीं नीचे ना ढलक जाते हो। अच्छा पाप कर्म विकर्म की गति तो तुम समझते हो ना, क्या समझते हो है? इंद्रियों से खास करके बड़ा पाप कौन सा होता है? काम विकार। काम विकार की इंद्रिय से कहीं उत्तेजना में आकर हम ऐसा पाप तो नहीं करते जो हमारा विकर्म बन जाए, पाप कर्म बन जाए। तो विकर्म की गति तो समझते हो, क्या गति है? विपरीत कर्म कैसे बनता है? देवान में आए तो विपरीत कर्म बनेगा, और बाप की याद में रहे तो इंद्रियां उत्तेजना में आएंगी नहीं आएंगी। तो गति तो समझ गए, जो कुछ इस समय समझाए रहे हैं हूबहू अक्षर बाई अक्षर 5000 वर्ष पहले भी तुमको समझाया था। क्या ऐसे नहीं सिर्फ सुनाया था ब्रह्मा के तन में, लेकिन हाँ लेकिन पॉइंट टू दी पॉइंट एक एक बात खोल खोल के समझाई भी थी, और कोई मनुष्य ऐसे थोड़े ही समझा सकेगा। कैसे? जैसे बाप एक एक मुरली के वाक्य को हिज्जे हिज्जे करके समझाई देते हैं, तो हम जैसे अभी बैठे हैं ऐसे ही 5000 वर्ष पहले भी बैठे थे इसी सूरत के इसी घर में है, और बाबा हमको खोल खोल के राज समझा रहे थे, तुमको सुनाया था, हम इन्हीं कपड़ों में बैठे थे कि दूसरे कपड़े थे? इन्हीं कपड़ों में बैठे थे। तेरा बच्चे का कपड़ा था या दादी पूछ वाले का कपड़ा था 5000 साल पहले? बच्चे का कपड़ा था 5000 साल पहले भी। अरे मनुष्य मिनट बाय मिनट जो बात होती है फिर कल्प के बाद वही बात मनुष्य फिर रिपीट करेंगे। इसका क्या मतलब हुआ? हाँ कि हमारी हरेक की आत्मा में जो पार्ट भरा हुआ है वो ही पार्ट हम 5000 वर्ष बजाते हैं। इसका मतलब हम कुछ नहीं करते हा? हम कुछ नहीं करते, ऑटोमेटिक हमारी आत्मा में जो रिकॉर्ड भरा हुआ है वो ही रिकॉर्डिंग बजती रहती है। हम देह अभिमान में आके अहंकार में आ जाते हैं। क्या अहंकार में आ जाते हैं? मैंने ये किया, ये मैंने कहां से आता है? देह भान से ये मैंने आता है। नहीं तो वास्तव में ना हम कुछ करते हैं ना हम किसी से कुछ करा सकते हैं। वास्तव में प्रकृति के नियमानुसार सब कुछ अपने आप घटित होता है। तो ये बातें सिवाय तुम्हारे कोई की बुद्धि में नहीं है, वो भी जो सबसे बुल बच्चे हैं वो इन बातों को समझ सकते हैं। क्या कैसे सबसे बुल? इन बातों को जो सुनते हैं और दूसरों को फिर सुनाते हैं उनकी बुद्धि में पक्का हो जाता है। जो सुन तो लेते हैं लेकिन दूसरों को सुनाते नहीं है, मनन चिंतन मंथन चलता नहीं है, तो उनकी बुद्धि में से ज्ञान उड़ जाता है। तो
ऐसे सबसे बच्चों की बुद्धि में धारणा हो सकती है। ये बात ध्यान में रखना है कि हम इस वर्ल्ड ड्रामा के एक्टर्स हैं। कल पहले भी हमने ऐसे ही पुरुषार्थ किया था जैसे अभी कर रहे हैं। क्या कल पहले भी ऐसे ही पुरुषार्थ किया था जो अब बाप हमसे कराए रहे हैं, कल बाद भी फिर ऐसा ही हमारा पार्ट होगा। यही गीत आदि फिर बजते रहेंगे। कितनी वंडरफुल समझने की बातें हैं। बाप कहते हैं इस पुराने शरीर को भी भूल जाना है। क्या कारण बताया? ये जो पार्ट वाला ड्रामा में चल रहा है इसका मूल कारण क्या है? परमधाम से जब उतरे थे तब देवान था नहीं था, तब निराकारी स्टेज थी। जैसे ही सब पांच तत्वों की दुनिया में आए वैसे ही कुछ न कुछ देवान, सत्युग के आदि से ही आंखों में देवान आया या नहीं आया? आया आंखों में देवान आया। भले सात्विक स्टेज का देहभान था, अभिविचारी देहभान था या विविचारी था? अभिविचारी देहभान था, लेकिन था तो देहभान, देह का आकर्षण तो था ना। तो ये दुनिया ही ऐसी है, प्रकृति के तीन गुण इसमें समाये हुए हैं, सत्ता रज और तम। ऐसा कोई भी मिनट सेकंड भी नहीं होता जिसमें 100% सत्य ही समाया हुआ हो। क्या सतयुग से लेकर के कलयुग के अंत तक जब तक बाप की प्रत्यक्षता न हो या जब तक इस दुनिया का विनाश न हो तब तक प्रकृति के तीन गुण पूरे पूरे हरेक में कार्य करते हैं। हाँ, जिनका देहभान संगम युग में खलास हो जाता है वो प्रकृति के तीन गुणों से परे हो जाते हैं, उनके ऊपर फिर प्रकृति का कोई चाल न, माया की कोई चाल चलती है और न प्रकृति के पांच रावण के जो सिर हैं उनकी कोई चाल चलती है। बाकी जो देह अभिमान में रहते हैं कुछ न कुछ उनके ऊपर माया रावण की चाल चलती रहती है, वो इन प्रकृति के तीन गुणों से प्रभावित होते रहते हैं। तो देखो एक ही तरीका बाप बताते हैं, इस देवान को भूल जाओ। सत्युग आज से ही आत्मा इस सृष्टि पर आती है और देवान में गिरना शुरू हो जाती है, प्रकृति के चंबे में आ जाते हैं। भले प्रकृति सतो प्रधान होती है तो भी हमें बंधन में बांध तो लेती है ना, देह अभिमान के बंधन में। तो प्रकृति सारा कार्य करवा रही है या हम कर रहे हैं? प्रकृति ही सारा कार्य करवा रही है। प्रकृति के तीन गुण सत रज तम वो सदैव इस सृष्टि पर 5000 साल काम करते रहते। मनुष्य क्या समझता है? देह अभिमानी मनुष्य समझता है हम कर रहे हैं। तो इस शरीर को भूल जाना है। वेद का बाप कहते हैं अब अशरीरी बन जाओ। क्या दूसरा कोई तरीका नहीं है? माया और प्रकृति को जीतने का दूसरा कोई तरीका नहीं है। न माया को जीत सकेंगे अशरीरी बने बगैर और न प्रकृति के तीन गुणों को पार पाए सकेंगे। आत्मा को ही दुख फील होता है। आत्मा कहती है हम ये शरीर छोड़ फिर दूसरा लेंगे, ये बहुत पुराना शरीर है, अब जाना है फिर नई दुनिया में, वहां शरीर भी नया हमको मिलेगा,
ये तुम्हारी बुद्धि में बैठ गया है ना। क्या नई दुनिया में हमको नया शरीर किस आधार पर मिलेगा? कौन सा पुरुषार्थ? जितना जितना हम निराकारी बनेंगे, देह का भान छोड़ते जावेंगे, उतना उतना हम नई दुनिया में सुख को अनुभव करेंगे। 11/4/64 की वाणी का चौथा पेज, इसको कहा जाता है सतयुग की नई दुनिया। तुम जानते हो बरोबर बाबा से प्राप्ति तो हमें मिलनी ही है। क्या प्राप्ति मिलनी है? बाबा को याद करेंगे तो प्राप्ति क्या मिलेगी है? अभी क्या वर्षा तो मिलेगा सतयुग में, अभी क्या मिलेगा? जितना जितना याद करेंगे उतना उतना क्या प्राप्ति मिलेगी? अरे डकैत को याद करेंगे तो क्या मिलेगा? चोर को याद करेंगे तो क्या मिलेगा? अरे हाँ, चोरी डकैती के गुण मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? अब बाप को याद करेंगे तो क्या मिलेगा? क्या है बाप का विशेष गुण? निराकारी स्टेज बनेगी। जितनी जितनी निराकारी स्टेज बनेगी उतना हम देवान से परे होते जाएंगे, स्वस्थिति में स्थित हो जाएंगे, तो इसी दुनिया में हम स्वर्ग का अनुभव करेंगे, प्रकृति के बंधन से मुक्त अनुभव करेंगे। अभी अभी ऐसे नहीं, सतयुग में अनुभव करेंगे। कहाँ अनुभव करेंगे? इस दुनिया में ही हम प्रकृति के गुणों से परे हो जाएंगे। क्या कैसी स्टेज बन जाएगी? निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी स्टेज बन जाएगी। द्वापर से लेकर अपने कर्मों अनुसार लौकिक बाप से वर्षा लेते आए हो। क्या जैसे जैसे कर्म किए हैं कर्मों के अनुसार वर्षा लेते आए, जन्म जन्मांतर और 21 जन्म। यहाँ वर्तमान संगम युग के श्रेष्ठ कर्मों के अनुसार तुमको वर्षा मिलता है। सतयुग त्रेता में तो इस जन्म की प्रारब्ध मिलती है। किस जन्म की? संगमयुगी। जो पुरुषोत्तम संगमयुगी जन्म है, इस जन्म की बाप हमें जो प्रारब्ध देते हैं वो मिलती है। और द्वापर कलयुग से लौकिक बाप की प्रारब्ध मिलती है। लौकिक बाप जो देते हैं, चाहे लौकिक बेहद का बाप हो और चाहे हद का बाप, बेहद का बाप बेहद की प्राप्ति कराते हैं। क्या प्राप्ति करावेंगे द्वापर कलयुग में? वहां लौकिक में बेहद का बाप होगा या नहीं होगा कि परमधाम में पड़ा रहेगा? हाँ होगा, तो कुछ प्राप्ति कराएगा या नहीं कराएगा? क्या प्राप्ति कराएगा? जो जो धर्म पिताएं आते हैं वो आकर सिर्फ अपना धर्म स्थापन करते हैं, राजाई स्थापन नहीं करते। और जो बेहद का मनुष्य सृष्टि का बाप है वो हर धर्म में अपने ग्रुप के साथ जन्म लेकर के राजाई स्थापन करता है। तो राजाई का वर्षा सभी धर्म वालों को उस समय बेहद के मनुष्य सृष्टि के बाप से मिलता जाता है। तो बताया कि लौकिक बाप से वर्षा लेते आए हो कर्मों के अनुसार द्वापर युग से, चाहे वो लौकिक बाप हद का हो एक जन्म का और चाहे वो बेहद का 500 करोड़ का मनुष्य सृष्टि का बाप हो। वहां कौन से बाप से वर्षा मिलता है? द्वापर कलयुग में हद के बाप से वर्षा मिलता है। हद के बाप से वर्षा तो मिलता है, लेकिन वो हद का बाप एक जन्म का होता है। और लौकिक बाप होता है या अलौकिक होता है या पारलौकिक होता है? लौकिक बाप होता है। अब वो लौकिक बाप हद का भी हो सकता है,
लौकिक बाप एक जन्म का भी हो सकता है और 84 जन्मों का भी। प्रारब्ध बनाने वाला वो बेहद का मनुष्य शक्ति का बाप भी हो सकता है, भले हम पहचानते नहीं है, लेकिन हर धर्म की राजाई स्थापन करने वाला कोई न कोई बाप होता जरूर है। यहां से तुम प्रारब्ध बनाकर जाते हो, क्या कहा, कौन सी प्रारब्ध बना के जाते हो, सत्युग त्रेता की प्रारब्ध बनाकर जाते हो, कहां की प्रारब्ध बना के जाते हो, यहां से सत्युग त्रेता की प्रारब्ध बना के जाते हो। यहां ऐसे नहीं कहेंगे कि द्वापर कलयुग की प्रारब्ध बना के जाते हो। यहाँ के कर्मों के अनुसार जो हम श्रीमत के अनुकूल चलते हैं, कर्म करते हैं, उससे हम सत्युग त्रेता में वर्षा पावेंगे, लेकिन द्वापर कलयुग में जो मिलेगा हमको राजाई या गधाई का सुख अथवा दुख, वो इस जन्म के आधार पर मिलेगा या द्वापर कलयुग के कर्मों के आधार पर मिलेगा। द्वापर कलयुग में जो हम कर्म करेंगे उसके अनुसार वर्षा मिलेगा। वहाँ कर्म कराने वाला कोई होगा या नहीं होगा, होगा है? नहीं। यहाँ हम संगम युग में जो कर्म करते हैं, श्रीमत के अनुकूल जो कर्म करते हैं, उनका वर्षा सत्युग त्रेता में मिलता है 21 जन्म का, और श्रीमत के बरखिलाफ जो कर्म करते हैं उसका हिसाब किताब द्वापर कलयुग में इस जन्म के अनुसार नहीं मिलेगा। लेकिन हमारे अंदर संस्कार भर जाते हैं वो देह अभिमान के, जो हम श्रीमत को छोड़ अपनी मनमत या मनुष्यों की मत पर कर्म करने लग पड़ते हैं, तो वो ही देह अभिमान वहां भी द्वापर युग से शुरू हो जाएगा। और देह अभिमान के आधार पर हम जो कर्म करेंगे वो सत्युग त्रेता के आधार पद के आधार पर ही हमें द्वापर कलयुग में भी हद का वर्षा मिलेगा। अब यहां ये समझाया जाता है कि तुमको पूर्व जन्म के भी कर्म कूटने पड़ते हैं, कहां, संगम युग में, जो करेगा सो पावेगा। अभी तुम अपनी मेहनत से 21 जन्मों का वर्षा लेते हो, अब जो चाहे सो पुरुषार्थ कर लो, क्या पूर्व जन्म के पाप कर्मों को कूट पीट के खलास करना चाहो तो जल्दी जल्दी कर लो, बाप की याद से। बाप की याद में एक और फायदा है, श्रीमती याद आएगी कि नहीं आएगी, श्रीमती याद आएगी तो अच्छे कर्म होंगे या बुरे कर्म होंगे, अच्छे कर्म करेंगे तो कौन से जन्मों का प्रारब्ध बनेगा, सत्युग त्रेता के सुख का ही प्रारब्ध बनेगा, दुख नहीं होगा वहां। और चाहो तो है? चाहो तो ऐसा पुरुषार्थ करो देवान में रह करके कि न पूर्व जन्म के पाप कटे और इस जन्म के पाप और 100 गुना बढ़ जाए। अगर श्रीमत के बरखिलाफ कर्म करेंगे तो 100 गुना पाप चढ़ेगा या 1 गुना पाप चढ़ेगा, 100 गुना पाप चढ़ जाता है। तो वो फिर प्राप्ति कहां देगा जो 100 गुना पाप चढ़ता है, उसकी प्राप्ति कहां मिलेगी। पाप चढ़ जाता है तो दुख तो मिलेगा कि नहीं, कहां मिलेगा है? हाँ, यहां मिलेगा तो, लेकिन आत्मा में जो संस्कार भरने की शूटिंग हो गई वो द्वापर कलयुग में फिर भोगते रहेंगे। फीमेल भी कितना ऊंचा बर्तबा पाती है, पहले लक्ष्मी फिर नारायण बनते हैं। तो तुम्हारा ये जन्म हीरे जैसा है, इसका मूल्य कोई नहीं आंक सकता। कौड़ी जैसे जन्म से तुम कितने सुखी दुखी बन गए, रोना पीटना क्या क्या लगा हुआ है, कौन से जन्म में, कौड़ी जैसे जन्म में, क्यों
कौड़ी जैसे जन्म में रोना पीटना लगा हुआ है, तो रोना पीटना कौन से जन्म से बंद हो है? कौन सा जन्म हम ले हैं जो हमारा रोना पीटना बंद हो जावे है? संगमयुग का जन्म लें। संगमयुग का कौन सा जन्म? वो तो कौड़ी तुल्य हो गया जिससे रोनी पीटना लगता है। अब हम कौन सा जन्म ले जाए जिससे रोना पीटना तो बंद हो जाए और सुखी ही सुखी हो जाए? कैसे हो जाएंगे? हीरे तुल्य जन्म ले लें तो क्या करें? लंदन में रखा हुआ कोहनेर हीरा चुरा लें, गले में लटकाए लें तो हर समय याद बना रहेगा, तो हीरे तुले जन्म हो जाएगा। फिर कैसे करें है? अरे वो स्थूल हीरे की बात नहीं है, ये तो आत्मा के स्मृति की बात है। आत्मा को चेक करना है घड़ी घड़ी। कौड़ी जैसा अंधेरा गड्ढा याद आता रहता है या हीरे जैसी आत्मा याद आती है? 24 घंटे में क्या ज्यादा याद आता है? स्टेज क्या है? निराकारी स्टेज बनती है या देह अभिमान की स्टेज बनी रहती है? क्या स्थिति है? अगर हीरे की याद पक्की हो गई तो सुख मिलेगा इसी जन्म में। अभी अभी सुख का अनुभव करेंगे या दुख का अनुभव करेंगे? घड़ी घड़ी सुख का अनुभव करते रहेंगे। इसलिए कहते हैं कि महाराजा राजा का बच्चा हो तो कौड़ी कौड़ी के लिए मोहताज होगा? नहीं हो सकता। यहां तो तुम विश्व का मालिक बनाने वाले के बच्चे बने हो, तो जब वहां हेवनली गॉडफादर के बच्चे हैं तो हम दुखी क्यों रहते हैं? क्या कारण हुआ? कौड़ी जैसा जन्म है, कौड़ी को स्मृति में रखते हैं ज्यादा और हीरे की याद भूल जाती है। हीरे की याद माने क्या? नहीं, आत्मिक स्थिति सिर्फ हीरा नहीं है, सबकी आत्मा हीरा है भी नहीं। कोई की आत्मा कौड़ी है अभी और कोई की आत्मा हीरा है। कौड़ी है तो अंधेरा अज्ञान का है या नहीं है? अज्ञान का अंधेरा है तो अनिश्चय आता है या नहीं? अविश्वास पैदा होता है ना? होता है। और अगर आत्मा हीरे जैसी है तो हीरा ही याद आवेगा, हीरो पार्टधारी याद आवेगा या कौड़ी पार्टधारी याद आवेंगे? जैसा संग वैसा रंग लगेगा। तो देखो कौड़ी जैसे जन्म से कितना रोना पीटना लगा हुआ है। आफतों से मनुष्यों को नींद ही नहीं आती है, इतना दुखी होते हैं जो गोली लेकर के आराम करना पड़ता है। अभी बाप कहते हैं आगे चल के तो बड़ा हंगामा होना है, फिर कैसे नींद आवेगी? अभी अन्ना हजारे का चल रहा है, अगर वो मर गया मान लो तो पब्लिक बिफर गई तो है? तो जैसे 76 में क्या लगा था, इमरजेंसी लागू हो गई थी, फिर इमरजेंसी लागू हो गई, गली गली में मिलिट्री खड़ी हो गई, तो सब्जी मिलेगी? अनाज मिलेगा? महंगा मिलेगा। गरीब तो बेचारे वैसे ही मर रहे हैं और ही मरने लग पड़ेंगे। गरीबों की तो बात छोड़ो, रईसों की भी अच्छी तरह से धुनाई हो जाएगी। बड़ा हंगामा होना है, इतना हंगामा बढ़ता जाएगा जो सारा ही राज्य चला जाएगा।
कौन सा राज्य चला जाएगा है, कौन सा राज्य चला जाएगा? अरे है कौन सा राज्य? हाँ, ये भ्रष्टाचारी सारा राज्य खलास हो जाएगा। मिलिट्री सब ये ही, मिलिट्री सब और तैनात हो जाएगी। तुमको मिलिट्री से ही फिर राज्य मिलना है। क्या कहा? इसका मतलब लास्ट में नहीं, रूहानी तो होगी, लास्ट में शासन मिलिट्री के हाथ में आने वाला है। पाकिस्तान में तो घड़ी घड़ी मिलिट्री शासन होता रहा, लेकिन इंडिया में कभी मिलिट्री शासन नहीं हो पाया। लेकिन यहाँ का भ्रष्टाचार भी दुनिया का सबसे जास्ती भ्रष्टाचार है, और वो कब ठीक होगा? जब मिलिट्री के हाथ में शासन आएगा। Thank you.